सीतापुर में पूर्व विधायक के ट्रक में पकड़ा गया सरकारी खाद्यान्न। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के ट्रक में सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया। अनूप गुप्ता को पुश्तैनी तौर पर मिला है खाद्यान्न कालाबाजारी का कारोबार। अनूप गुप्ता के पिता ओपी गुप्ता भी थे बड़े खाद्यान्न माफिया। सीबीआई जांच से बचने के लिए ही पूर्व विधायक ओपी गुप्ता की हुई थी संदिग्ध मौत, लेकिन सीबीआई जांच भी इस परिवार के खाद्यान्न नेक्सस को तोड़ने में नाकाम है। समाचार प्लस की कोशिश ऐसे ही बड़े खाद्यान्न नेक्सस को खत्म करने की है। सीएम योगी जी, जरा देखिए किस तरह गरीबों के पेट पर डांका डाल रहा है पूर्व विधायक। आखिर सीतापुर के बड़े खाद्यान्न माफिया अनूप गुप्ता पर कब कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल है। सवाल ये कि अखिलेश सरकार की तरह योगी सरकार भी खाद्यान्न माफियाओं को बचाएगी? गरीबों के पेट पर डांका डालने वाले को जेल में डालो सीएम साहब। तो पहले अखिलेश सरकार में भी यही हुआ, खाद्यान्न माफियों को बचाने की कोशिश हुई और यही वजह रही कि उनका नेक्सस लगातार बढ़ता चला गया, और अब यही हो रहा है योगी राज में भी। लेकिन सवाल ये, अखिलेश सरकार की तरह क्या योगी सरकार भी खाद्यान्न माफिया को बचाएगी? क्योंकि गरीबों के पेट पर डांका डालने वाले को जेल होनी चाहिए। फिर बाहर कैसे? एक्सक्लूसिवली सीतापुर में पूर्व विधायक के ट्रक में दरअसल सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया है। आपको बता दें, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के ट्रक में सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया है। गरीबों का पेट काटकर इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। अनूप गुप्ता को पुश्तैनी तौर पर मिला है खाद्यान्न कालाबाजारी का ये कारोबार, क्योंकि अनूप गुप्ता के पिता ओपी गुप्ता भी थे बड़े खाद्यान्न माफिया, और अब अनूप गुप्ता भी इसी राह पर। सीबीआई जांच से बचने के लिए ही पूर्व विधायक ओपी गुप्ता की संदिग्ध मौत हुई थी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, सीबीआई जांच भी इस परिवार के खाद्यान्न नेक्सस को तोड़ने में नाकाम है, और यही वजह कि नेक्सस लगातार बना हुआ है। समाचार प्लस की कोशिश है कि ऐसे ही जो बड़े खाद्यान्न नेक्सस हैं, जो गरीबों के पेट पर डाका डाल रहे हैं, उनके नेक्सस को खत्म किया जाए। लेकिन सीएम योगी, आप भी देखिए किस तरह गरीबों के पेट पर डाका डाल रहा है पूर्व विधायक, जिसके ट्रक में पकड़ा गया सरकारी खाद्यान्न। आखिर सीतापुर के बड़े खाद्यान्न माफिया अनूप गुप्ता पर कार्रवाई कब होगी? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि अखिलेश सरकार की तरह योगी सरकार भी खाद्यान्न माफिया को बचाएगी? गरीबों के पेट पर डाका डालने वाले को जेल में डालो सीएम साहब। एक्सक्लूसिवली यह खबर, सीतापुर में पूर्व विधायक के ट्रक में सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया है। आपको बता दें, गरीबों का हक उनसे छीनकर इसकी कालाबाजारी की जा रही है, और लगातार ये नेक्सस फल फूल रहा है। इससे पहले अनूप गुप्ता के पिता भी यही करते आए, पुश्तैनी तौर पर कालाबाजारी का ये धंधा उनको मिला है, क्योंकि अनूप गुप्ता के पिता ओपी गुप्ता भी बड़े खाद्यान्न माफिया रहे हैं। सीबीआई जांच से बचने के लिए पूर्व विधायक ओपी गुप्ता की संदिग्ध मौत हुई थी। सीबीआई जांच भी यानी परिवार के खाद्यान्न नेक्सस को तोड़ने में पूरी तरह से नाकाम है, और यही वजह है कि नेक्सस लगातार बना हुआ है। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इस नेक्सस को खत्म करें। फोन करते कहीं कहीं कहा हम जन गोदाम पर हम गोदाम देख रहे हो, गोदाम चला रहे हो। तो किस तरीके से गरीबों के पेट पर डाका डालकर उनके हक को छीनकर कालाबाजारी लगातार जारी है, यही सब कुछ अखिलेश सरकार में चल रहा था। योगी सरकार आई तो उम्मीद बंधी कि शायद कुछ अच्छा होगा और इस तरह के माफियाओं पर लगाम कसी जाएगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा। और यही वजह कि खाद्यान्न माफिया भी दूसरे माफियाओं की तरह लगातार बने हुए हैं, क्योंकि पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के ट्रक में पकड़ा गया है सरकारी खाद्यान्न।